अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। लॉकडाउन की वजह से आज एक अजीब ही मंजर देखने को मिला। मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां पर देखा जनाब रिमोट कंट्रोल पकड़ के अपनी बीवी की तरफ कर रखा है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहता इसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, कम वक्त रिमोट ही खराब है। अगर अगले हफ्ते तक हजामों की दुकानों तक रसाई ना दी गई तो सारी टाइगर फोर्स बब्बर शेर बन जाएगी। एक पठान अपना खराब रेडियो लेकर रेडियो मैकेनिक के पास गया और उसे कहता कि यार इसमें जितनी भी खराब चीजें हैं, खराब पुर्जे हैं, उसको निकाल कर बाहर फेंको और इसमें नए लगा दो। मैकेनिक ने दो दिन के बाद आने का वक्त दिया। दो दिन बाद खान साहब वापस आए, रेडियो चेक किया तो उसमें थोड़ी आवाज खराब आ रही थी, तो उसने रेडियो मैकेनिक को शिकायत की। रेडियो मैकेनिक ने जवाब दिया कि भाई मौसम की खराबी की वजह से ऐसा है। पठान गर्म होकर बोला, और यार तुमसे कहा भी था कि सारा कुछ बदल दो, अब मौसम बदलने वाला रह गया, वो भी बदल देते। क्रेडिट गोज टू मोहसिन अली। एक इंतहाई पतली लड़की बतौर टीचर स्कूल में भर्ती होगी। एक दिन इसने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ जमीन घूमती क्यों है? शागिर्द, मिस जी नाश्ता वाश्ता करके आया करें, नहीं तो जमीन ऐसे ही घूमती हुई महसूस होगी। एक कैदी 10 साल बाद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने दरवाजा खोला और देखते ही गुस्से से बोली, टीवी पर तो बता रहे हैं कि तुम 8 बजे के भागे हुए हो, तो इतनी देर से कहाँ थे? कैदी बेचारे ने वहीं से वापस यू टर्न कर लिया। शोहर बीवी से, इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई है और तुम मास्क के बगैर घूम रही हो। बीवी, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर घूम रही हूँ?